और इस वक्त प्रयागराज से खबर, जहां अतीक और अशरफ मर्डर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां जांच के लिए न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुंचा है और न्यायिक आयोग ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। एसआईटी और फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर मौजूद रही और घटना स्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, यानी उसे दोहराया गया। और 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर 3 हमलावरों ने हत्या कर दी थी। एसआईटी और फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर मौजूद हैं और यहां पे उस वक्त किस तरह के हालात रहे होंगे, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पूरा एक तरीके से रिक्रिएट किया जा रहा है। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में 3 हमलावरों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया था। तो जांच के लिए न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुंचा चुकी। इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, ताकि ये पता चल पाए कि इन तीनों हमलावरों की मंशा क्या थी, क्यों इन्होंने अतीक और अशरफ को मारा, क्या इन तीनों के तार कहां से जुड़े हुए हैं, क्या इनका कोई और किसी के कहने पे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। एक एक परत से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह के हालात रहे थे, उसको यहां पे जांचा गया। विवेक, ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता प्रयागराज से देंगे। विवेक, अतीक और अशरफ की हत्याकांड को लेकर आज एसआईटी और जो आयोग है, आयोग के सदस्य यहां पहुंचे, रिक्रिएट किया गया उस पूरी वारदात को, कैसे और कब इस वारदात को अंजाम दिया गया। अधिकारी मौजूद थे और उस वक्त के पूरे हालात को नापने और जांचने का काम किया गया है। जो टीम थी वो बाकायदा जिस तरीके से उस रात जो जो घटना हुई थी स्टेप वाइज उसको पुलिस ने उस तरीके से एसआईटी की टीम ने और उस आयोग के सदस्यों ने जो भी लोग थे उन लोगों ने उसको उसी तरीके से पूरा सीन बनाया और किस तरीके से वो हथियारे गोलियां चला रहे थे, वो सारी चीजों को देखा, जो मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है उस मेजरमेंट से सारी चीजों को समझा और बाकायदा एक डायरी बनाई गई है। उस डायरियों में स्टेप वाइज स्टेप सारी चीजों को आयोग के अधिकारियों ने नोट किया है और उनका यही कहना है कि हम सारी चीजों को अभी नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से हथियारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बाकायदा एक सूची बन रही है, पूरा काम चल रहा है। एसआईटी के जो लोग हैं, एसआईटी के लोगों से भी उन अधिकारियों ने, जो आयोग के लोग थे उन लोगों ने उनसे पूछताछ की है, क्योंकि उस वक्त एक दिन पहले से ये जांच एसआईटी कर रही है, उससे भी कई अहम जानकारियां आयोग के अधिकारियों ने इकट्ठा की है। तो कुल मिलाकर जो रात में अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद वो सारी चीजों को आज अधिकारियों ने रिक्रिएट किया और समझने की कोशिश की है कि किन हालात में और कैसे इन हथियारों ने गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ की हत्या की थी। जी बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो न्यायिक आयोग ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, एसआईटी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी यहां पे मौजूद हैं और उस पूरे घटनाक्रम को दोहराया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था।